नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ और इस समय एक अहम खबर जो है वो जानकारी श्रीनगर से सामने निकल कर सामने आ रही है, कश्मीर घाटी से, जहां पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक एनकाउंटर अब से कुछ देर पहले शुरुआत हुई थी सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच। और जो जानकारी इस समय निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक सुरक्षा बलों ने शाहिद नाम के एक आतंकवादी को ढेर किया है, मार गिराया है। और ये वो आतंकी है जो हाल ही में बटमालू के अंदर जो सिविलियन किलिंग हुई थी उस किलिंग में इन्वॉल्व था। जी हाँ, मोहम्मद शफी डार नाम का एक बटमालू का जो रेजिडेंट है वो दो अक्टूबर को जिसको गोली मारकर पहले घायल कर दिया गया था और उसके बाद अस्पताल में ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जिस तरह से पिछले सप्ताह अगर हम बात करेंगे तो लगातार टारगेट किलिंग देखने को मिली थी, तो ये मोहम्मद शफी डार जो बटमालू के रहने वाले हैं ये भी टारगेट किलिंग का शिकार हुए थे कश्मीर घाटी के अंदर। और जिस तरह से जो जानकारी निकल के आ रही है, ये आतंकी शफी नाम का जो बटमालू में इस घटना को अंजाम देने के बाद सुरक्षा बलों के हाथों बचता बचता पुलवामा पहुंच गया था और पुलवामा के वही बुग एरिया में आज एक रेजिडेंट एरिया के अंदर इसकी जानकारी मिली कि वो उस इलाके के अंदर छिपा हुआ है और सुरक्षा बलों ने उस एरिया को कॉर्डन किया। कॉर्डन करने के बाद इसको सरेंडर करने के लिए कहा गया लेकिन इसने नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी सुरक्षा बलों के ऊपर। नतीजन सुरक्षा बलों ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया और इस शफी नाम के आतंकी को मार गिराया है, जो जानकारी अभी हमारे पास मिल रही है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी ट्वीट के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया है। वो ट्वीट मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि आखिरकार उस ट्वीट में क्या जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो कहा है। और पहले तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये कहा था कि एक मुठभेड़ की शुरुआत जो है वो शुरू हुई है इस समय कश्मीर के पुलवामा इलाके में। तो कश्मीर के पुलवामा इलाके में जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना का एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था और उसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और उस आतंकी को मार गिराने में कामयाबी मिली है जो एक सिविलियन किलिंग के अंदर इन्वॉल्व था। तो मैं आपको वो दिखा देता हूं दोनों ट्वीट। ट्वीट में ये बताया गया है, पहला जो एनकाउंटर बताया गया कि जो पहला इन्फॉर्मेशन आया था कि वही बुग एरिया जो है पुलवामा में करीबन 52 मिनट पहले ये ट्वीट हुआ था कश्मीर जोन पुलिस की तरफ से, जिसमें लिखा था कि एनकाउंटर हैज़ बीन स्टार्टेड इन वही बुग एरिया ऑफ पुलवामा। उसके थोड़ी देर बाद जो है वो बताया गया कि वन टेररिस्ट जो है वो श्रीनगर सिटी में इन्वॉल्व था एक रिसेंट किलिंग के अंदर, न्यूट्रलाइज हुआ है पुलवामा के एनकाउंटर के दौरान। ये IGP कश्मीर के हवाले से जो है वो ट्वीट किया गया है और उसके बाद इसकी शिनाख्त जो है वो बताई गई है कि जो मारा गया टेररिस्ट है उसे आइडेंटिफाइड किया गया है शाहिद बशीर शेख ऑफ श्रीनगर। ये इन्वॉल्व था रिसेंट किलिंग मोहम्मद शफी डार जो PDD डिपार्टमेंट का स्टाफ एक था और 2 अक्टूबर इसी साल में जो है इसने इस टारगेट किलिंग को अंजाम दिया था। और इसके मारे जाने के बाद इसके पास से एक AK-47 राइफल जो है वो बरामद हुई है अलॉन्ग विद मैगजीन और जो गोलियां हैं वो इसके पास से बरामद हुई है। तो निश्चित रूप में जिस तरह से मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, उन्होंने साफ किया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो टारगेट किलिंग की जा रही है और जिस तरह से हमने देखा कि टीचर्स और प्रिंसिपल्स खासतौर पर नॉन मुस्लिम्स को जो टारगेट किया गया था, अगर हम इस साल की बात करें तो करीबन 28 ऐसी टारगेट किलिंग जो हैं वो हुई हैं, जो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिसमें पिस्टल का इस्तेमाल कर टारगेट किलिंग की गई है। तो उसमें बड़ी कामयाबी जो है वो सुरक्षा बलों को मिली है क्योंकि टीचर्स की जब आतंकियों ने नॉन मुस्लिम्स को भी वहां पर टारगेट बनाने का सिलसिला शुरू किया और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की, जैसे 90 के दशक में हालात बने थे उस तरह के हालात बनाने की कोशिश की। तो फिर सुरक्षा बलों ने अपनी कार्रवाई जो है उसकी शुरुआत कर दी और सुरक्षा बलों ने उस इलाके के अंदर पूरे कश्मीर घाटी के अंदर क्रैकडाउन किए, बड़ी मात्रा में क्रैकडाउन किए और क्रैकडाउन के दौरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया, करीबन 700 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया। जिस स्कूल के अंदर टारगेट किलिंग हुई थी जिसमें एक टीचर और एक प्रिंसिपल की हत्या की गई थी, उनको न्यूट्रलाइज किया गया था, उनको मारा गया था,
तो वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद ही ये बयान जो है वो आया था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का, और उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि क्रैकडाउन NIA की तरफ से, रॉ की तरफ से, IB की तरफ से और CIT जो काउंटर CTH जो काउंटर टेररिज्म हेड्स जो हैं उनकी तरफ से ये जो ऑपरेशन शुरू हुए हैं उनमें अब बड़ी कामयाबी मिल रही है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें कश्मीर पुलिस का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जितना भी ह्यूमन इंटेलिजेंस इकट्ठा होता है वो सारा का सारा कश्मीर पुलिस के हवाले से ही सारा इंटेलिजेंस जो है वो इकट्ठा होता है, और उसी के आधार पर सुरक्षाकर्मी जो हैं इन ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। और जो ये ऑपरेशंस इस समय कश्मीर घाटी के अंदर चलाए जा रहे हैं उसमें कामयाबी जो है वो सुरक्षा बलों को मिल रही है। और महज एक घंटे के भीतर बटमालू में मोहम्मद शफी डार जिन जो PDD के एम्प्लॉयज़ थे उनकी टारगेट किलिंग करके, सेलेक्टिव किलिंग कर उनको पिस्टल से उनको जो है उनकी मौत कर दी गई थी, तो उसका बदला जो है सुरक्षा बलों ने आज कश्मीर के पुलवामा में लिया है, जहां शाहिद नाम का एक आतंकवादी जो श्रीनगर का रहने वाला शायद बताया जा रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बाबत जो है वो ट्वीट के माध्यम से ये पूरी जानकारी दी है। ये ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आपको स्क्रीन पर ये ट्वीट दिखेगा तो इस ट्वीट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि क्या कुछ इस ट्वीट में लिखा हुआ है। तो ये ट्वीट जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से साफ कहा गया है कि इसमें मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि टेररिस्ट आइडेंटिफाइड ऐसे शाहिद बशीर शेख जो श्रीनगर का रहने वाला है, ही इन्वॉल्व इन द रिसेंट किलिंग ऑफ सिविलियन मोहम्मद शफी डार जो PDD डिपार्टमेंट का स्टाफ था, और 2/10 को यानी कि 2 अक्टूबर इसी साल 2021 को इसकी टारगेट किलिंग जो है वो की गई थी। तो रिसेंट किलिंग्स के जो भी गुनाहगार हैं उनको एक एक कर ठिकाने तक पहुंचाने का काम कश्मीर में शुरू कर दिया गया है, और शायद अब उस इलाके में इसी एक आतंकी के छुपे होने की जानकारी मिली थी जिस पर सुरक्षा बलों की तरफ से तुरंत कार्रवाई की गई और इस शाहिद नाम का जो आतंकी है उसको ढेर कर दिया गया। तो पुलिस और सुरक्षा बल लगातार कश्मीर घाटी में शांति स्थापित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और इन कोशिशों में कामयाबी भी लगातार मिलती जा रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के हर खबर पर, हर पहलू पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है, हर खबर से हम आपको तुरंत रूबरू कराने की कोशिश करते रहेंगे। बाकी के अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।